अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं अब्दुल कय्यूम और एंड्रॉयड डेवलपमेंट रेसिपीज की एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल का जो प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड, वो अपने एक्सपीरियंस मतलब यूज़र्स को बेस्ट एक्सपीरियंस और कम्फर्ट कैसे मुहैया करता है। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट है कि जो एंड्रॉयड डिवाइस होती हैं वो ज़्यादातर टच स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन का मतलब है कि एज कम्पेयर टू कीबोर्ड टच स्क्रीन चलाना आसान होता है, तो ये एक मतलब एक बेनिफिट हो गया एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का। दूसरा ये कि जो हमारा एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो गेस्चर्स को, स्विपिंग को, टैपिंग को, पिंचिंग को और रोटेशन को, उन सब को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो और जो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एडिशनल कीबोर्ड्स जैसे कस्टमाइज और वर्चुअल कीबोर्ड्स भी आते हैं टेक्स्ट इनपुट्स के लिए, तो उनको भी सपोर्ट करता है, और एंड्रॉयड ब्लूटूथ को, यूएसबी को, और जो फिजिकल कीबोर्ड्स कनेक्ट होते हैं गेम के लिए, मतलब जो गेम के शौकीन होते हैं वो अपने फिजिकल कीबोर्ड्स कनेक्ट करते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस से और वो उसे गेम का मजा लेते हैं, तो वो मतलब उसको भी सपोर्ट करता है। और जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है वो मल्टीमीडिया जैसे म्यूजिक हो गया, एनिमेशंस हो गई, गिफ्ट पेमेंट्स होती हैं वो एनिमेशंस होती है और वीडियोस होती हैं, उन सबको सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो हमारा एंड्रॉयड है वो जल्दी रिस्पॉन्स करता है अपने यूजर्स इनपुट्स को, मतलब उसमें जो कीबोर्ड होती हैं उससे कंपेयर फास्ट रिस्पॉन्स करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लूइड टच स्क्रीन इंटरफेस है और वाइब्रेट की जो कैपेबिलिटीज उनको भी मतलब सपोर्ट करता है, मतलब जल्दी जो वाइब्रेशन होती है उन पर भी जल्दी से रिस्पॉन्स करता है। और अपने एंड्रॉयड डिवाइस में जो एक्सेलेरोमीटर होता है, मतलब इंटरहार्ड हार्डवेयर, एक्सेलेरोमीटर हो गया, गायरोस्कोप्स हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गए और जो फिंगरप्रिंट अब आ रही है, तो ये जो एडिशनल एक्सेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है, ताकि अब फिंगरप्रिंट की वजह से क्या हो गया, हमारी सिक्योरिटी इनहेंस हो गई। ठीक है, सिक्योरिटी इनहेंस हो गई तो हमारा जो कीबोर्ड मतलब जो हार्ड पासवर्ड होते थे हमें याद करने नहीं पड़ते, अब वो सिर्फ अपनी फिंगर लगाते हैं तो वो आसान से खुल जाता है। फेस अनलॉक हो गया, तो फेस अनलॉक मतलब वो हमारे कैमरा जो सेंसर था उनको सेंस करते हैं, उसके अलावा जो रोटेशन है, स्क्रीन रोटेशन है, उनको भी सेंस करती है। अब आपने देखा होगा कि जो गेम्स चलाते हैं बच्चे, रेसिंग गेम्स हो गई, तो वो हम जो कार रेसिंग या अपने मोटरसाइकिल रेसिंग ये ऐसी कोई गेम्स चलाए होंगे जिसमें स्टीयरिंग व्हील के बजाय हम रोटेट करते हैं अपने डिवाइस को, तो जो हमारा एंड्रॉयड डिवाइस है वो रोटेट को भी सपोर्ट करते हैं। उसकी मदद से जो हमारे गेम्स होती हैं वो आसानी से चलते हैं। एज कम्पेयर टू अगर फिजिकल कीबोर्ड भी लगाते हैं तो फिर भी हमारे कीबोर्ड्स बटन पे चलाने पड़ते हैं, लेकिन अगर रोटेट करते हैं तो वो एज कम्पेयर टू आसानी से हम उसको गेम को चला सकते हैं, वो बड़ा मतलब अच्छा कम्फर्ट जोन होता है हमारे लिए। और कीबोर्ड से चलाने से जो रोटेशन वाला एक्शन है वो ईजी होता है। और एक और बात, तो मतलब हम मल्टीमीडिया चलाते हैं और कॉल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो उन पर बैटरी की कंजप्शन ज़्यादा होती है। अब आप एंड्रॉयड की देखें तो वो जो डिवाइस होते हैं स्लिम भी हो रहे हैं लेकिन उनकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारे जो बैटरी एप्स होती हैं उनमें भी ऐसे कोडिंग पैटर्न्स यूज़ होते हैं, उनमें ऐसे परफॉर्मेंस पैटर्न्स यूज़ होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो बैटरी कंजप्शन होती है बैकएंड पे, मतलब जब हम शेड्यूलिंग टास्क पढ़ेंगे और बैकएंड सर्विस पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ेंगे कि अपनी जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है उनको अपने मतलब बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सकता है। मतलब हमारे जो ऐप्स हैं जब यूज़ हो रही हैं तब तो वो थोड़ी बहुत बैटरी यूज़ करती हैं, लेकिन जब वो बैकएंड पे चली जाती हैं तो वो बैकएंड पे बैटरी कोई यूज़ नहीं करती लेकिन फिर भी ऑन होती हैं, एज सर्विस वो काम कर रही होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं खाती। तो हमारा जो एंड्रॉयड डिवाइस होती है वो हमें ज़्यादा बैटरी टाइमिंग देता है। तो आपने देखे कि ये कुछ बेनिफिट्स से जिनकी वजह से हमारा जो एंड्रॉयड डिवाइस से बेहतरीन होता है और हमारा जो एंड्रॉयड डिवाइस है हर मतलब दिल की ख्वाहिश होती है कि वो एंड्रॉयड यूज़ करे। अब जो कीपैड वाले हैं वो तो यही चाहते हैं कि भाई एंड्रॉयड यूज़ करें, तो इसलिए ये कुछ टिप्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की कि जिनकी वजह से एंड्रॉयड यूनिक होता है। ठीक है, अब आईफोन भी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा आता है और एंड्रॉयड उससे थोड़ा सस्ता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद अगला जो लेक्चर है हमारा,
हम देखेंगे कि जो एंड्रॉयड की एप्स हैं वो हमें जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसकी मदद से हमने गूगल ने एक और से मतलब आसानी पैदा की कि हम अपने डेवलप जो एप्लीकेशन है आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब ये न्यू लेक्चर या न्यू डिस्कशन मैं आप अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू, गुड बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।